मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी पत्रकार बंधुगण रहे होंगे वहाँ। आज दीनदयाल पीठ की तरफ से 103वां दीनदयाल जी का जन्मदिवस मनाया गया था और दीनदयाल जी का व्यक्तित्व कर्तित्व और विशेष रूप से एकाध मानववाद का दर्शन, इसने जो पूरे देश और विश्व को योगदान दिया है, इसके बारे में यहाँ हम लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया है। और मेरा पूरा विश्वास है कि दीनदयाल जी इतने दूरदर्शी थे कि आज जो विश्व में सारी चीज़ें घटित हो रही है और भारत का स्वरूप जैसा विश्व सामने उभर रहा है, वो पूर्व में ही उन्होंने कहा था कि भारतीयता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय चित्त और विराट को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा तो भारत फिर से दुनिया के अंदर गौरवान्वित होगा। और आप जानकर प्रसन्न होंगे, आज ही मैं डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान पढ़ा, राष्ट्रवाद जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन के विरोध में उन्होंने कहा कि अगर वैश्वीकरण को भी आगे बढ़ाना है तो नेशनलिज्म इज द मस्ट। अच्छा, तो ये आज दीनदयाल जी की जो सोच थी, दीनदयाल जी जो कल्पना थी, उनके ही विचारों के अनुयायी ने विश्व के अंदर ये दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिकों के मुंह से कहलाने में सफलता प्राप्त की है कि राष्ट्रवाद अगर वैश्विक स्वरूप को स्थापित करना है तो राष्ट्रवाद को भी प्रखरता दे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अब तो विपक्ष के वकील ने भी ये बात, देखिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये मामला न्यायालय में है, न्यायालय अपना सारा कार्य पूरा करेगा। अच्छा, आजम खान को राहत भी मिल रही है कोर्ट हमसे संबंधित जो बात है वो बात ये अपने को नहीं आया। पाकिस्तान स्वयं इतना अपने को खोखला महसूस करने लगा है कि उसको लगा कि अगर विश्व के सामने हम अपने खोखलापन को नहीं प्रकट करते हैं तो हमें सहानुभूति नहीं प्राप्त होगी। इसलिए पाकिस्तान इतने के बाद भी वो परमाणु बम हमारे पास है कि धमकी दे रहा है। अरे उसी आप उसी से पूछ रहे हैं।